गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। आई एम फरहाना फ्रॉम मरियम हायर सेकेंडरी स्कूल, मंडावर रोड, बसी, किरतपुर। आई वेलकम यू ऑल इन दिस इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। नाउ वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के कुछ पार्ट की रीडिंग की थी। अब हम उस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा, हम यहाँ तक इसकी रीडिंग कर चुके थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, द बॉयज टोल्ड हिम अबाउट देयर बोर्डिंग स्कूल इन कोलकाता, बट व्हाई डू यू लुक सो ग्लम, द मैन इंक्वायर्ड। बॉयज ने अपने कोलकाता के बोर्डिंग स्कूल के बारे में उन्हें बताया। तो उन्होंने, वो जो जेंटलमैन थे, उन्होंने पूछा, लेकिन तुम सब मुझे उदास, एकदम शांत क्यों लग रहे हो। द बॉयज़ रिप्लाइड सैडली, वी आर अनहैप्पी विद द न्यूज़ दैट अ न्यू संस्कृत टीचर इज़ रिप्लेसिंग आवर ओल्ड वन दिस सेशन। वी प्लान टू इरिटेट हिम सो मच दैट ही इज़ फोर्स टू लीव प्रॉम्प्टली। बॉयज़ ने उदासी के साथ कहा कि हम इस न्यूज़ से बहुत दुखी हैं कि हमारे जो ओल्ड टीचर थे, उन वो जा रहे हैं स्कूल को छोड़कर, और एक न्यू टीचर न्यू सेशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं, और हम उन्हें परेशान करके स्कूल को जल्दी से जल्दी छोड़कर जाने के लिए प्लान बना रहे हैं। एट द नेक्स्ट स्टॉप विच वॉज असनसोल, द ओल्ड जेंटलमैन ब्रीफली अलाइटेड टू हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। On his return, he found his bundles missing and the mouth of his earthen pots open. The rasgullas, laddus and gulab jamuns packed tight in the pots were all gone. Even the mangoes that were secured tight in the cloth bundle had disappeared. अगला स्टॉप आया एसनसोल। तो जो जेंटलमैन थे वो पानी पीने के लिए गए। वापस जब वो अपने कंपार्टमेंट में आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो बंडल्स थे कपड़े के, वो मिस थे, और जो मिट्टी के मटके उनके साथ में थे, उन सब के मुंह खुले हुए थे, और उसमें से रसगुल्ले, लड्डू और गुलाब जामुन गायब थे, जिनको मटके के अंदर बहुत टाइटली बांधा हुआ था। यहाँ तक कि कपड़े के बंडल में जो आम बंधे हुए थे बहुत टाइटली, वो भी वहाँ से गायब थे। द मिसचीवियस बॉयज हु हैड हेल्प देमसेल्व्स टू अ गुड मील एक्सप्लेन्ड, देयर आर लॉट्स ऑफ माइस ऑन द ट्रेन एंड दे मेड अ फीस्ट ऑफ योर स्वीट्स एंड फ्रूट्स। वे शरारती लड़के जो कंपार्टमेंट थे, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक बहाना बनाया, और उन्होंने कहा इस ट्रेन में बहुत सारे चूहे हैं जो कि आपकी सारी मिठाइयाँ और आपके फ्रूट्स खा गए। What a pity, the man said calmly. If I had known that there were mice on this train, I would have carried an extra box of snacks for them and also for you. The boys were taken aback and disappointed that their plan to trouble this man hadn't worked. To their dismay, neither was the man angry, nor did he leave the compartment. उस जेंटलमैन ने बहुत विनम्रता से कहा, कितनी दुख की बात है, अगर मुझे पता होता कि इस ट्रेन में चूहे हैं तो मैं उनके खाने के लिए एक्स्ट्रा स्नैक्स लेकर आता और तुम्हारे लिए भी लेकर आता। इस बात से जो बॉयज थे वो थोड़े निराश हो गए और वापस चले गए। उनका जो प्लान था उन जेंटलमैन को डिस्टर्ब करने का, उन्हें मुसीबत में लाने का, वो प्लान उनका फेल हो गया। उस प्लान ने वर्क नहीं किया, क्योंकि ना तो वो जेंटलमैन एंग्री हुए और ना ही वो कंपार्टमेंट छोड़कर वहाँ से गए। द ट्रेन फाइनली स्टॉप्ड एट द बर्धमान स्टेशन। हेयर दे ऑल चेंज्ड ट्रेन्स फॉर कोलकाता। व्हेन द बॉयज सेटल्ड डाउन इन अ कंपार्टमेंट, द ओल्ड जेंटलमैन सेड, I'll find my way to some other compartment. ट्रेन फाइनली बर्धमान स्टेशन पर पहुंच गई। वहां से उन सबको कोलकाता के लिए दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी। जब बॉयज एक कंपार्टमेंट में जाकर सेटल हो गए, बैठ गए, तो ओल्ड मैन ने कहा कि मैं कोई दूसरा
कंपार्टमेंट ढूंढ लूंगा और वहां पर चला जाऊंगा। द बॉयज वर रिडन विद गिल्ट एंड वॉन्टेड टू मेक अप फॉर देयर मिस्चीफ सो दे इंसिस्टेड दैट ही सेट विद हिम। द ट्रेन चग्ड ऑफ एंड सून रीच्ड द नेक्स्ट स्टेशन। द ओल्ड जेंटलमैन बॉट ए बिग पैकेट ऑफ स्वीट्स फ्रॉम अ हॉकर ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर द बॉयज दे हैप्पीली गॉबल्ड देम डाउन। लड़के अपने किए पर बहुत पछता रहे थे और वो अपनी इस गलती को सुधारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन जेंटलमैन को अपने पास बैठने के लिए मनाया और ट्रेन फक फक करके चलने लगी और अगले स्टेशन पर पहुंच गई। अगले स्टेशन पर जेंटलमैन ने प्लेटफॉर्म पे जो सामान बेचते हैं ना हॉकर, उन्हें हॉकर बोलते हैं, तो उन हॉकर से स्वीट्स के बड़े पैकेट्स लिए और उन बॉयज को खाने के लिए दे दिए। खुशी खुशी उन्होंने पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया। अगेन एट द नेक्स्ट स्टेशन एट द जेंटलमैन बॉट अ डजन राइप मैंगोज फॉर द बॉयज। By now they had begun to grow fond of this friendly and cheerful old man. He bought goodies at every station and the boys finished them gladly. अगले स्टेशन पर जेंटलमैन ने एक दर्जन पके हुए आम खरीदे और बॉयज को दे दिए। अब तक जो बॉयज थे वो उन ओल्ड मैन के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और काफ़ी घुल मिल गए थे। वो जेंटलमैन हर स्टेशन पर से उन बॉयज़ के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए सामान लेते और सब वो सभी बॉयज़ मिलकर उसको खुशी खुशी से फिनिश कर देते थे।